हाय गाइस, हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे देबोलिना नाम की एक जो आर्टिस्ट है वो शहनाज़ पे हावी हो रही हैं। और मैं पहली बात ये बोलना चाहूँगी, शहनाज़ और मेरे बीच में जो भी बहुत कम अनबन हुई घर के अंदर, पर जो भी थोड़ी बहुत अनबन हुई वो तो गेम शो में था। मैं शहनाज़ को दिल से एक बहुत अच्छी दोस्त मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शहनाज़ दिल की जो है लड़की बहुत साफ़ है। मुझसे शादी करोगी, इतने बड़े शो पर भी उसने इतने ओपनली इतनी सच्चाई के साथ अपनी दिल की बात रखी कि मैं तो सिर्फ सिद्धार्थ को पसंद करती हूँ, है ना। ये ऐसे एक स्टैंड लेने वाली लड़कियाँ जो इतना दिल से और इतनी सच्चाई दिखाती इस ज़माने में नहीं मिलती। फर्स्टली आई वुड लाइक टू से दैट। एंड देबोलिना ने अपने पेट के साथ, एंजल के साथ शहनाज़ को कंपेयर किया और बोला कि वो अटेंशन सीकर है। देबोलिना आप क्या कर रही हैं? लाइक आई वॉन्ट टू आस्क यू, अगर आप ये सभी चीज़ें करके सोशल मीडिया पे डाल के आप खुद ही अटेंशन सीकिंग नहीं कर रही हैं, तो फिर इस चीज़ को आप क्या बोलते हैं? अगर आप खुद ही चीप पब्लिसिटी को इन्वाइट नहीं कर रही हैं तो आप क्या कर रही हैं? ये स्ट्रैटर्जी आपकी बहुत अच्छी है, बट मीडिया वाले, बाकी आर्टिस्ट और ऑडियंसेस भी बहुत ही होशियार है जो जानते हैं कि आप ये चीप पब्लिसिटी जो है लेने की कोशिश कर रही है। तो फिर आप कुछ मेहनत का काम कीजिए, मैं बोलना चाहूँगी, जहाँ पे आप दिखें किसी और शो पे और आप पॉजिटिव पब्लिसिटी कमाने की कोशिश कीजिए। मैं ये वीडियो केवल इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि शहनाज़ को मैं दिल से बहुत अच्छा मानती हूँ, और दिल से मैं आज भी उसको मेरी बहुत अच्छी दोस्त मानती हूँ। सेकेंडली, आपने कहा कि भुला दूंगा गाने में, उनकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। आप होती कौन है ये जज करने वाली कि उनकी केमिस्ट्री अच्छी है या नहीं है? क्या आप एक डायरेक्टर है? क्या आपने कोई नोबेल पुरस्कार जीता है डायरेक्शन का, या आपने ठेका ले रखा है कि आप लोगों की केमिस्ट्री बैठ के आप जज करेंगे? आप अगर दांत नहीं दे सकते तो फिर आपको केमिस्ट्री जज करने का हक है ही नहीं, नंबर टू। और फिर आपने बोला कि शहनाज़ सिद्धार्थ के बिना कुछ नहीं है, तो फिर मुझसे शादी करोगी शो में क्या आपको सिद्धार्थ दिखे 30 डेज घर के अंदर? नहीं दिखे। सिद्धार्थ एक बहुत ही जाने माने रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन शहनाज़ जो है ये पूरा शो पारस और शहनाज़ पे बनाया था, क्योंकि शहनाज़ की फ़ैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ही हाई है। और आपको जाना चाहिए शहनाज़ के इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और देखना चाहिए कि कितने फैंस उनको दिल से चाहते हैं, और वो उनके इंडिपेंडेंट अकाउंट्स है। और ये इंडिपेंडेंट अकाउंट्स इसका प्रूफ है कि शहनाज़ इज़ अ इंडिपेंडेंटली वेरी सक्सेसफुल आर्टिस्ट टुडे एंड इज़ अ वेरी रेस्पेक्टेड आर्टिस्ट टुडे। और अगर आप उनसे जल के ये सब कर रही हैं चीप पब्लिसिटी के लिए, तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि चीप पब्लिसिटी जो है बहुत ही कम समय तक चलती है। अच्छाई जो है हमेशा हमेशा लोगों के दिलों में भी रहती है, लोगों के दिमाग में भी रहती है। तो फिर देबोलिना जी, आप प्लीज़ कुछ नई स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कीजिए, जहाँ आप जेन्यूनली थोड़ी सी मेहनत करें सुर्खों में रहने के लिए, ना कि ऐसी चीप पब्लिसिटी करें। और ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि आपने शहनाज़ का ही नहीं, आपके खुद के पेट का भी रेस्पेक्ट नहीं रखा है यहाँ पे। तो इसमें पता चलता है कि आप इंसान क्या, आप जानवरों की तक रेस्पेक्ट नहीं करती, जहाँ आप अपने खुद के पेट की डिसरेस्पेक्ट कर रही हैं। तो आपका तो कुछ भी नहीं, मतलब हम तो जानवरों को भी, जो मेरे पेट्स हैं, दो पेट्स हैं मेरे पास भी, मैं उनको भी अपना फैमिली मानती हूँ, उनको भी अपने बच्चे मानती हूँ, सुल्तान और शेर खान जो मेरे पेट्स हैं, कोई उनकी भी इंसल्ट कर दे मैं ना छोड़ूँ। तो फिर आप तो खुद के फैमिली और खुद के पेट्स की भी इज्जत नहीं करती, आपसे क्या एक्सपेक्ट करे कोई कि आप बाहर के लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे? तो पहले आप सबको रिस्पेक्ट करना सीखिए देबोलिना जी। थैंक यू।